नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रकाश भारती जी द्वारा लिखा गया एक मज़ेदार उपन्यास, करोड़ों का वारिस, पार्ट 9। इंस्पेक्टर रावत अपने ऑफिस में ही मौजूद था। उसे विचारपूर्ण निगाहों से घूरता पाकर अजय बोला, आप कुछ परेशान लगते हैं, क्या बात है? बैठो, मेरी परेशानी की वजह तुम हो। अजय उसके सामने बैठ गया। कैसे? तुमने पहले तो तूफान खड़ा कर दिया, फिर खुद ही गायब हो गए। तुम प्राइवेट डिटेक्टिव के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि तुम लोग गैर जिम्मेदार होते हो। अजय ने अपने चेहरे पर हाथ फिराया। मेरे इस सर्टिफिकेट को देखते हुए भी आप मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं? आई एम सॉरी, तुम्हारे साथ हुई वारदात को मैं भूल गया था, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अमरीश दत्ता मेरे अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर है। खून के इल्जाम में विभागीय औपचारिकता पूरी करके क्षेत्र की सीमा बढ़ाई जा सकती है। जानता हूँ, लेकिन बगैर केस ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोई ठोस सबूत की ज़रूरत होती है, जबकि मैं तो अमरीश दत्ता से पूछताछ तक भी नहीं कर सकता। जानते हो मेरे पास सबूत क्यों नहीं है? मेरी वजह से? हाँ, तुमने राजेश मोहन के पास जाकर उसे इतना ज़्यादा डरा दिया कि वह गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गया। मुझे मदद की उम्मीद थी तुमसे, लेकिन तुमने मामला और ज़्यादा उलझा दिया। आखिर तुम्हें यह सब कहने की क्या ज़रूरत थी? मैं मानता हूँ मुझसे थोड़ी गलती हो गई, मगर इसके लिए अकेला मैं ही तो जिम्मेदार नहीं हूँ। क्या मतलब? राजेश मोहन की कार चोरी हो जाने के बारे से आपने ही मुझे बताया था। इंस्पेक्टर कुछ देर खामोश बैठा, विचारपूर्वक देखता रहा। ओके, अंत में वह बोला, हम दोनों से ही गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इस तरह बैठ कर एक दूसरे में कमी निकालने से कुछ नहीं होगा। सवाल तो यह है, अब हमें क्या करना है? आप यह मुझसे पूछ रहे हैं इसलिए कि इस सारे मामले में तुम कुछ ज़्यादा सक्रिय रहे हो और इसकी जानकारी भी तुम्हें ही ज़्यादा है। लेकिन यह केस आपका है, मैं तो सिर्फ हेल्पर हूँ। इंस्पेक्टर तनिक आगे झुक गया। तुम वाकई हेल्प करना चाहते हो या तुम्हारे पास कोई एंगल है? मैं मदद करना चाहता हूँ, यूँ यही मेरा एंगल है। इंस्पेक्टर मुस्कुराया। तुम वाकई बहुत पहुंची हुई चीज़ हो। खैर, यह बताओ, क्या तुम अभी भी मेहता के जरिए मिसेस दीवान के लिए काम कर रहे हो? नहीं, लेकिन तुम्हारा क्लाइंट कौन है? डॉक्टर मदान? यहाँ खबर बड़ी तेज़ी से फैलती है। इंस्पेक्टर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। ऐसी बात नहीं है, मुझे तुमसे भी पहले इसकी जानकारी थी। डॉक्टर मदान ने मेरे पास आकर तुम्हारे बारे में विराट नगर से जानकारी हासिल करने के लिए कहा था, और वहाँ तुम्हारा दोस्त इंस्पेक्टर रविशंकर मेरा भी परिचित है। बस उसे की गई एक टेलीफोन कॉल से ही तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। अब तुम्हें थंडर का रिपोर्टर समझूं या प्राइवेट डिटेक्टिव? अजय मुस्कुराया। फिलहाल आप प्राइवेट डिटेक्टिव ही समझिए, हालांकि अब काम मैं अपने अखबार के लिए कर रहा हूँ। और उस लड़के की बैकग्राउंड चेक करना चाहते हो? हाँ, डॉक्टर मदान मुझसे भी यही कराना चाहता है, लेकिन सरकारी मुलाजिम होने की वजह से मेरी कुछ सीमाएं हैं। जब तक किसी के खिलाफ लिखित शिकायत ना हो या कानून तोड़े जाने का ठोस सबूत सामने ना आए या फिर कोई वारदात ना हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने लड़के से बातें की थी? हाँ, लड़का होशियार और तेज़ है, लेकिन किसी किस्म का कोई निश्चित दावा नहीं करता। वह सिर्फ इतना कहता है, लोग बताते हैं वह शिशिर शर्मा का बेटा है, इसलिए संभवतः ऐसा ही है। आपके विचार से क्या उसे यह सब सिखाया गया है? पता नहीं, जब वह मुझसे मिलने आया था तो मोटे तौर पर उसका अपनी वल्दियत स्थापित करने से कोई ताल्लुक नहीं था। वह अपने बाप के मर्डर के बारे में जानकारी चाहता था, अगर यह शशि शर्मा उसका बाप था। क्या यह साबित नहीं हो चुका है? जहां तक मुमकिन है उतना तो हो चुका है, फिर भी मेरी राय में इसमें शक की गुंजाइश है, इंस्पेक्टर बोला। लेकिन मैं तुम्हें बताने जा रहा था, वह यहाँ कहने आया था कि उसे पुराने मर्डर केस पर और ज़्यादा एक्शन चाहता है। जब मैंने उससे कहा कि यह चंदनगढ़ पुलिस का केस है, तो वह चंदनगढ़ गया, वहाँ से पुलिस स्टेशन इंचार्ज के सिर पर जा चढ़ा। हो सकता है वह सीरियस हो, या तो यही बात है या फिर वह मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इस किस्म का व्यवहार अपराध भावना के साथ नहीं चलता। आजकल अपराधी संगठन चोटी के वकीलों को अपनी सेवा में रखते हैं, और वे लोग किसी को इस ढंग से ट्रेन कर सकते हैं। तुम समझते हो वह किसी अपराधी संगठन यानी सिंडिकेट का कार्य है,
इंस्पेक्टर ने कुछ एक पल सोचने के बाद पूछा, बहुत बड़ी साजिश है, करोड़ों का दाव हो तो साजिश बड़ी ही होगी। डॉक्टर मदान का कहना है कि मिसेस दीवान अपनी नई वसीयत तैयार करा रही है, जिसमें उसने सब कुछ लड़के के नाम कर दिया है। मेरे विचार से उसके घर को वॉच कराया जाना चाहिए। तुम्हें यकीन है कि वे लोग बुढ़िया को खत्म करने की कोशिश करेंगे? आजकल मामूली रकम के लिए किसी को खत्म कर देना मामूली बात है, दीवान परिवार के पास तो करोड़ों की दौलत है। तुम्हारी इस बात से इनकार मैं नहीं करता, लेकिन यहाँ मेरे इलाके में ऐसा नहीं होगा। गलत, इसकी शुरुआत 2 हफ्ते पहले पीटर बेंजामिन की हत्या से हो चुकी है। जाहिर तौर पर वो गैंग क्रिक थी और आपके इलाके में ही हुई थी। उसे इसमें मत मिलाओ, वो केस अभी खत्म नहीं हुआ है। यह वही केस है, शिशिर की हत्या, पीटर की हत्या और इस लड़के का मामला, सब एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं। यह कहना आसान है, हम साबित कैसे करेंगे? लड़के के जरिए। मतलब? डॉक्टर मदान का कहना है कि लड़के के लहजे में नेपाली टच है, जिसे वह बड़ी सफाई से छुपाने की कोशिश करता है। यानी उसकी शुरुआती परवरिश नेपाल में हुई है। राजेश मोहन और उसका भाई हरीश भी अब नेपाल में है। प्रत्यक्षता उन्होंने टनकपुर से बॉर्डर क्रॉस किया है और वे उस पते पर गए हैं जो पीटर ने उन्हें दिया था। अगर आप उस हद तक पीटर का पता लगा सकते हैं। हम इसी एंगल पर काम कर रहे हैं, इंस्पेक्टर मुस्कुराता हुआ बोला। तुम्हारी विशालगढ़ की लीड बढ़िया थी। पिछली रात विशालगढ़ में मैंने अपने एक दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर को फ़ोन पर इस बारे में डिटेल्स देकर जानकारी हासिल करने के लिए कहा था। आज करीब 2 घंटे पहले उसने फ़ोन करके मुझे बताया था कि करीब साल भर पीटर अमरीश दत्ता के लिए काम करता था। क्या काम करता था? जुआ घर चलाने में उसकी मदद। एक और दिलचस्प बात है, करीब 6 साल पहले पीटर को टनकपुर में गिरफ्तार किया गया था। किस जुर्म में? उस पर एक पुराना चोरी का इल्जाम था। ऐसा लगता है गिरफ्तारी से बचने के लिए वह नेपाल भाग गया था। जैसे ही वह वापस लौटा पकड़ा गया और 3 साल जेल में गुजारने पड़े। टनकपुर में वह कब पकड़ा गया था? तारीख जानना चाहते हो? हाँ, पता नहीं, लेकिन पता लगाया जा सकता है। पता लगवाइए। ज़रूरी है? हाँ, खुलासा तौर पर बताओ। शरद शर्मा यानी शरद दीवान भी करीब 6 साल पहले नैनीताल में प्रकट हुआ था और नैनीताल टनकपुर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इससे पता लगता है कि शरद ने पीटर के साथ ही नेपाल बॉर्डर पार किया हो सकता था। तुम्हारी बात में दम है, इंस्पेक्टर ने कहा। फिर अपने एक मातहत को बुलाकर पीटर का रिकॉर्ड बताने का आदेश दे दिया। दोनों इंतजार करने लगे। मातहत ने एक फाइल लाकर डेस्क पर रख दी। इंस्पेक्टर उसे खोलकर पेज पलटने लगा। उसके चेहरे पर अधीरतापूर्ण भाव थे। फिर जब उसने सिर ऊपर उठाया तो उसकी आंखें चमक रही थी। करीब 6 साल पहले पीटर 7 मई को टनकपुर में पकड़ा गया था। क्या यह तुम्हारी तारीख से मेल खाती है? अभी सही तारीख मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं पता लगा लूँगा। अजय खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर गर्म जोशी से हाथ मिलाता हुआ बोला, अगर तुम्हें कोई भी नई बात पता लगती है तो फौरन मुझे फ़ोन कर देना और अपना ध्यान रखना। मैं हमेशा अपना ध्यान रखता हूँ, फिर भी कभी कभार चूक हो ही जाती है। तुम्हारी कार यहीं है, जब भी चाहोगे मैं रिलीज कर दूँगा। फिलहाल उसे यहीं रहने दो, और हाँ, बुढ़िया की हिफाजत का ध्यान रखना। इंस्पेक्टर को इस बारे में हिदायतें देता छोड़कर अजय बाहर निकल गया। अजय ने एक ट्रैवल एजेंसी के जरिए विशालगढ़ से नैनीताल और टनकपुर जाने और टनकपुर में एक किराए की कार का इंतजाम कर लिया। लेकिन करीमगंज से विशालगढ़ के लिए कनेक्टिंग प्लेन 3 घंटे बाद जाने वाला था। इंतजार के इस समय को गुजारने के विचार से वह पास ही मौजूद मेहता के ऑफिस जा पहुंचा। ऑफिस के बाहरी भाग में टाइपराइटर पर व्यस्त मेहता की सेक्रेटरी मिसेज मरवा से अजय पहले भी मिल चुका था और उससे प्रभावित भी वह प्रतीत हुई थी। उसने टाइपराइटर से सिर उठाकर देखा। ओह, मिस्टर अजय कुमार, आपके चेहरे पर तो काफ़ी चोटें आई हैं, वह सहानुभूतिपूर्वक बोली। मिस्टर मेहता ने मुझे बताया था, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था। बस करो, अजय ने टोका, तुम्हारी बातों से मुझे खुद पर शर्म आ रही है। खुद पर शर्म करने में क्या बुराई है? मुझे तो अक्सर खुद पर शर्म आती रहती है। तुम जवान औरत हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम भी तो जवान आदमी हो। बड़ा फर्क है, अजय अर्थपूर्ण स्वर में बोला। सुनना चाहती हो?
मिसेस मरवा ने शर्माकर गर्दन झुका ली। नहीं, रहने दीजिए। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मिस्टर मेहता हैं? नहीं, लंच से वापस नहीं लौटे। लेकिन अब तो 3:30 बज रहे हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता कि आज वह दोबारा ऑफिस आएंगे। क्यों? जब से उनके निवास स्थान पर वो वारदात हुई है, उनका सारा शेड्यूल बिगड़ गया है। नौकर के मर्डर की बात कर रही हो? वो तो है ही, और भी बातें हैं। उनकी पत्नी बीमार है। जानता हूँ, देवराज ने बताया था, उसे नर्व ब्रेकडाउन हो गया है। वह चौंकी। मिस्टर मेहता ने आपको बताया था? इसमें हैरानी की क्या बात है? इस बारे में किसी से ज़्यादा बातें वह नहीं करते। इस मामले में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। अचानक मिसेज मरवा का स्वर राजदराना हो गया। हालांकि उसे औरत की वजह से परेशान होने का यह पहला मौका नहीं है। पहले ऐसा कब हुआ था? कई दफा हो चुका है, करीब 5 महीने पहले। एक रात मैं और मिस्टर मेहता इनकम टैक्स के ज़रूरी पेपर्स तैयार कर रहे थे। वह यहाँ आ पहुँची और मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं उसके पति को उससे छीनने की कोशिश कर रही हूँ। जवाब में मैं भी उसे खरी खोटी सुना सकती थी, लेकिन मिस्टर मेहता की वजह से कुछ नहीं कहा। दरअसल मिस्टर मेहता बहुत ही शरीफ और अच्छे आदमी हैं। उस औरत ने परेशानियों के अलावा उन्हें कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी उसकी पूरी देखभाल वह करते हैं। वह कैसी परेशानियां देती है? हर तरह की। पिछले साल वह घर छोड़कर चली गई और मिस्टर मेहता की गाड़ी कमाई का पैसा पानी की तरह बहाती फिरती रही। यहाँ तक कि दूसरे आदमियों पर भी उसने खूब पैसा लुटाया। आखिर में मिस्टर मेहता को पता लगा। वह विशालगढ़ में किसी आदमी के साथ रही थी। अजय की आंखें सिकुड़ गई। विशालगढ़ में? हाँ, विशालगढ़ में, मिसेज मरवा सपाट स्वर में बोली। संभवतः उसका इरादा मिस्टर मेहता से तलाक लेने का था, लेकिन बाद में इरादा बदल दिया। अगर वह तलाक ले लेती तो मिस्टर मेहता पर बड़ा भारी एहसान करती, लेकिन उसकी इन घटिया और गिरी हुई हरकतों के बावजूद मिस्टर मेहता उसे मनाकर साथ ले आए। उस औरत से उन्हें बेहद प्यार है। अचानक वह खामोश हो गई, फिर बोली, मुझे यह सब आपको नहीं बताना चाहिए था। तुमने कुछ गलत नहीं किया, खुद देवराज ने भी मुझे बताया था कि उसे नर्सिंग होम में दाखिल कराना पड़ा है। इस वक्त वह शायद वहीं उसके पास है। आमतौर पर लंच वहीं उसके साथ ही लेते हैं और दिन का ज़्यादातर वक्त भी उसके पास ही गुजारते हैं। मेरे विचार से यह वेस्टर्न डिवोर्शन है। वो नर्सिंग होम कहाँ है? डॉक्टर मदान का नर्सिंग होम है, मार्केट रोड पर। आप वहाँ जाना चाहते हैं? हाँ, आपको नहीं जाना चाहिए। क्यों? मिस्टर मेहता को यह कतई पसंद नहीं है कि कोई वहाँ आकर उन्हें डिस्टर्ब करे। वह मेरा दोस्त है, मेरा आना उसे बुरा नहीं लगेगा। मेहरबानी करके इन बातों का कोई जिक्र मत करना। मैं यहाँ आने का जिक्र भी नहीं करूँगा। नर्सिंग होम में मेन गेट से गुजरकर प्रवेश द्वार की ओर जाते अजय ने देखा, इमारत की बगल में फेंस की दूसरी ओर गार्डन में दो पेड़ों के बीच बंधे कैनवस के स्विंग पर एक स्त्री पुरुष के कंधे पर सिर टिकाई बैठी थी। हालांकि अजय की ओर उनकी पीठ थी, फिर भी वह पहचान गया कि वे मेहता और उसकी पत्नी थे। उन्हें पुकारने की बजाय अजय रिसेप्शन पर पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट अनपेक्षित रूप से जवान और खूबसूरत थी। यस सर, आई वॉन्ट टू सी मिस्टर मेहता, अजय बोला। योर गुड नेम सर? अजय कुमार। रिसेप्शनिस्ट उठकर केबिन से बाहर आ गई। प्लीज़ कम। अजय उसके साथ जिस दरवाजे से गुजरा उस पर लिखा था साइकेट्रिक किंग। रिसेप्शनिस्ट उसे ड्राइंग रूम के अनुरूप सजे बड़े कमरे में छोड़कर चली गई। वहाँ पहले से ही मौजूद दो अधेड़ औरतें टीवी के सामने बैठी फिल्म देख रही थी। एक युवक कारपेट पर बैठा सामने छत के कॉर्नर को अपलक ताक रहा था। उसकी दाढ़ी बड़ी थी और होठ हिल रहे थे। गार्डन की ओर खुलने वाली आधे पर्दे खुली खिड़कियों में से एक से अजय को रिसेप्शनिस्ट कैनवास स्विंग की ओर जाती दिखाई थी और मेहता ने यूं चेहरा ऊपर उठाया मानो वह नींद से जागा था, फिर स्वयं को पत्नी से अलग कर लिया। उसकी पत्नी अजीब सी स्थिति में लेटी थी, उसके चेहरे पर खुली आंखों वाली गुड़िया जैसा सूनापन था। मेहता स्विंग से उतरकर रिसेप्शनिस्ट के पीछे आ रहा था, थका टूटा सा, चेहरा उतरा, आंखें सुर्ख, बाल बड़े हुए और टाई एक और झूल रही थी। कुल मिलाकर अपनी उम्र से 10 साल ज़्यादा नजर आ रहा था। उसने अंदर आकर उखड़े स्वर में पूछा, यहाँ क्या करने आए हो? तुमसे मिलना चाहता था,
अजय ने कहा। फिर पूछा, तुम्हारी पत्नी कैसी है? ठीक नहीं है, मेहता ने कहा और उसे बाहर कॉरिडोर में ले आया। उसे बड़ा भारी डिप्रेशन हो गया है। डॉक्टर भटनागर का कहना है अनीता को पहले भी यह बीमारी हो चुकी है, मुझसे शादी करने से पहले। 2 हफ्ते पहले उसे भी शौक लगा था, उसकी पुरानी बीमारी फिर उभर आई है। अजय ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम्हारी पत्नी की बैकग्राउंड किस तरह की है? अनीता बंबई में मॉडलिंग करती थी, वह तलाकशुदा है। पहले पति से उसका बच्चा पैदा होते ही मर गया था और पति का उसके साथ बर्ताव बहुत बुरा था। उसकी गुज़िश्ता ज़िंदगी की कमियों को मैंने इस तरह की सुख सुविधाओं से पूरा करने की कोशिश की है, मगर कामयाबी नहीं मिली। उसके स्वर से गहरी निराशा झलक रही थी। वहाँ इसका इलाज चल रहा है? अजय ने कुछ कहने की गरज से पूछा। ऑफ कोर्स, डॉक्टर भटनागर बहुत ही काबिल और तजुर्बेकार साइकेट्रिस्ट हैं। मेहता ने दीवार से पीठ सटा ली और शून्य में ताकता हुआ सा बोला, अगर उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टर उसे शॉक ट्रीटमेंट देगा। उसकी हालत के साथ साथ अपनी हालत की फिक्र भी करो दोस्त, तुम्हें घर जाकर थोड़ा सो लेना चाहिए। मेहता ने गहरी सांस ली। तुम्हारे कहने या मेरे कोशिश करने से ही नींद नहीं आ जाएगी, इस हालत में कम से कम मैं तो सो नहीं सकता। दूसरे अनीता को मेरी ज़रूरत है, मैं उसके पास होता हूँ तो वह शांत रहती है। वह दीवार से अलग हट गया और कंधे उचकाकर बोला, अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो मेरी परेशानियाँ जानने के लिए तुम यहाँ नहीं आए हो। तुम्हारा ख्याल सही है, मैं चेक के लिए धन्यवाद देने और 2-4 सवाल पूछने आया हूँ। चेक पाना तुम्हारा हक बनता था, मेहता बोला, सवाल क्या है? डॉक्टर मदान मुझसे शरद जिंदगी की गुज़िश्ता की छानबीन कराना चाहता है, लेकिन यह केस क्योंकि शुरुआत में तुमने मुझे सौंपा था इसलिए तुम्हारी सहमति लेना चाहता हूँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मिसेस दीवान के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जानता हूँ, डॉक्टर मदान ने बताया है मिसेस दीवान पूरी तरह उस लड़के को अपना वारिस मान चुकी है, मगर खुद डॉक्टर को यकीन है कि लड़का फ्रॉड है। डॉक्टर की इस राय की जानकारी मुझे भी है, लगता है शरद और डॉक्टर की बेटी के बीच रोमांस चल रहा है। डॉक्टर का कोई और खास मकसद भी है? किस मामले में? शरद की पिछली ज़िंदगी के बारे में छानबीन कराकर क्या वह मिसेस दीवान को अपनी वसीयत को चेंज करने से रोकने की कोशिश कर रहा है? मेहता ने अपने वकीलाना निगाहों से उसे देखा। अच्छा सवाल है, मौजूदा वसीयत में मदान को कई तरह के फायदे हैं, वह एग्जीक्यूटर है और इस नाते मोटी रकम उसे मिलनी है। रकम कितनी मोटी है यह मैं नहीं बताऊंगा। उसकी बेटी रोजी को भी काफ़ी मोटी रकम मिलनी है। दूसरे कई लोगों को दी जाने के बाद जायदाद का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न संस्थाओं को दान किया जाना है, जिसमें से एक हार्ट केयर एसोसिएशन भी है और डॉक्टर मदान उसका चेयरमैन है। यानी मौजूदा वसीयत से उसी को सबसे ज़्यादा फायदा है? वो तो जाहिर है, वसीयत चेंज की जा चुकी है? पता नहीं, इस बारे में मैंने तो मिसेस दीवान से साफ कह दिया था कि मौजूदा हालात में उसके लिए नई वसीयत तैयार नहीं कर सकता। उसने कहा था वह दूसरे किसी वकील से तैयार करा लेगी। उसने कराई है या नहीं मैं नहीं जानता। इसका मतलब है लड़के की असलियत पर तुम्हें यकीन नहीं है? मुझे यकीन था, लेकिन अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यकीन किया जाए या नहीं। साफ बात यह है कि इस बारे में ज़्यादा सोच विचार मैंने नहीं किया है। अब अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं अनीता के पास जा रहा हूँ। हाँ जाओ, मेहता चला गया। अजय प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। मेन गेट की ओर जाते अजय ने देखा तारों की बाड़ के पीछे गार्डन में मेहता की पत्नी पहले की भांति स्विंग पर पड़ी हुई थी। मेहता उसके पास पहुंचा, स्विंग पर बैठकर उसका सिर ऊपर उठाया और अपनी गोद में लिया। अजय दीवान पैलेस पहुंचा। नौकरानी उसे रिसेप्शन हॉल में छोड़कर चली गई। कुछ देर बाद ही जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर कर कोमिला वर्मा वहाँ आ पहुँची थी। वह पहले की अपेक्षा ज़्यादा जवान और सुंदर नजर आ रही थी। नमस्ते अजय साहब, तशरीफ रखिए, आंटी आने ही वाली है। अजय को थोड़ा ताज्जुब हुआ। खुद चलकर? हाँ, है ना हैरानी की बात, वह पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। शरद रोजाना उन्हें कार से सैर कराने ले जाता है। यह तो अच्छा करता है वह, शरद को भी इसमें बड़ा मजा आता है। मैं उसी से मिलने आया हूँ, वह यहीं है।
लंच के बाद से मैंने उसे नहीं देखा। अपनी कार में कहीं चला गया लगता है। अपनी कार में? हाँ, आंटी ने उसके लिए एक टोयोटा खरीदी है। शरद उसे पाकर इतना ज़्यादा खुश है जैसे कोई बच्चा नया खिलौना पाने के बाद खुश होता है। उसने मुझे बताया था कि वह बरसों से कार पाने का सपना देख रहा था। वह और भी बहुत सी चीज़ें पाने के सपने देखता रहा होगा। हाँ, उसे खुश देखकर मुझे भी खुशी होती है। तुम बहुत अच्छी और दरिया दिल हो मिस वर्मा। ऐसी बात नहीं है, दरअसल शरद के आ जाने से यह घर खुशियों से भर गया है। सभी बेहद खुश हैं। मुझे तो ऐसा लगता है अचानक मैं बरसों पहले की दुनिया में लौट गई हूँ। जब अनिल जिंदा था सब कुछ उन्हीं वक्तों जैसा लगने लगा है। उसकी बातों से लगता था उसने अपना समूचा प्यार अनिल से शरद पर ट्रांसफर कर दिया था। अजय उसे चेतावनी देना चाहता था कि बहुत ज़्यादा खुश होना ठीक नहीं था। वह तमाम खुशी दोबारा गहरे सदमे और रंज में तब्दील हो सकती थी। तभी सीढ़ियों पर कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। मिसेस दीवान धीरे धीरे नीचे आ रही थी। कोमिला वर्मा सीढ़ियों के दहाने पर जा खड़ी हुई। अजय ने आगे बढ़कर दोनों हाथ जोड़कर बुढ़िया को अभिवादन किया। सुखी रहो, बुढ़िया आशीर्वाद देकर बोली, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मेरा घर खुशियों से भर दिया है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। वो तो आप चेक भेजकर कर ही चुकी हैं। नहीं, आपकी मेहनत के बदले में वो तुम्हारा हक बनता था, बुढ़िया ने कहा। फिर आभार प्रकट करने वाले अंदाज में बोली, चाय तक रुकोगे ना? मेरा पोता भी तुमसे मिलना चाहता है, वह आने ही वाला होगा। बुढ़िया के स्वर में अभी सी असहिष्णुता नोट करके अजय सोचने लगा कि क्या उसकी खुशी वाकई असली थी या फिर वह खुद को यकीन दिलाना चाहती थी कि जिंदगी की ढलती शाम में उसे भी खुशी हासिल हो सकती थी। वह एक कुर्सी में बैठ गई। शरद कहाँ गया है कोमिला? शायद क्लब क्या होगा, रोजी के साथ। ऐसा ही लगता है, वह अभी भी रोजी से बहुत ज़्यादा मिलता है। तकरीबन रोज। हमें इसे रोकना होगा, किसी एक लड़की में दिलचस्पी लेने के लिए उसकी उम्र अभी बहुत कम है। रोजी बड़ी प्यारी लड़की है, लेकिन अभी से उसे शरद पर हक जमाने हम नहीं दे सकते। मेरे पास शरद के लिए दूसरी योजनाएं हैं। आपको एतराज़ न हो तो मैं पूछ सकता हूँ, कैसी योजनाएं हैं? मैं शरद को इंग्लैंड यूरोप भेजना चाहती हूँ, इससे उसकी सोच का दायरा बढ़ेगा, आजकल के दौर को समझने की सही समझ आएगी। उसे स्टेज से लगाव है, मैं चाहती हूँ वह इस फील्ड में बाकायदा ट्रेनिंग हासिल करे। फिर जब वह वापस लौटेगा तो मैं यहाँ करीमगंज में एक शानदार थिएटर बनवा दूंगी। ठीक तभी एक सफ़ेद टोयोटा पोर्च में आ रुकी। कार का दरवाज़ा भड़ाक से बंद किया गया। फिर शरद रिसेप्शन हॉल में दाखिल हुआ। उसका चेहरा तमतमा रहा था, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए। अचानक वह ठिठक कर रुक गया। जैकेट की जेबों में हाथ घुसेड़े उसने बारी बारी से उन तीनों को घूरा। फिर उसकी निगाहें अजय पर जम गई। ओह, तो जनाब भी यहाँ मौजूद हैं, उसके लहजे में तलखी थी। यह क्या कह रहे हो शरद, कोमिला ने टोका। शरद उनकी ओर बढ़ा, मैं ठीक कह रहा हूँ। हेलो शरद, अजय आगे बढ़कर बोला, मुझसे दूर ही रहो, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। क्यों आया हूँ बताता हूँ। अचानक शरद ने उस पर घूंसा चला दिया, लेकिन इस प्रयास में खुद भी लड़खड़ा गया। अजय सावधान था, वह भांप चुका था कि शरद ऐसा ही कुछ करेगा। उसने संभलने का मौका दिए बगैर शरद को दीवार की ओर घुमाकर उसकी जैकेट का कॉलर दोनों हाथों में थामकर झटका दिया। जैकेट उसकी कोहनियों तक नीचे खिसक गई। शरद स्वयं को छुड़ाने के लिए प्रतिरोध करने लगा। उसके मुंह से आती शराब की बू को महसूस करते अजय ने नोट किया कि जिस्मानी ताकत के साथ साथ उसके स्वभाव में भी हिंसा थी। होश में आओ लड़के, अजय बोला। होश के बच्चे, मजबूत पकड़ से विवश शरद गुर्राया, मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। उसके लिए तुम्हें शराब का नहीं किसी सख्त चीज़ का सहारा लेना होगा, मिसेस दीवान ने गहरी सांस ली। इसने शराब पी हुई है? हाँ, मैंने शराब पी है, शरद किसी जिद्दी बच्चे की भांति बोला, और काफ़ी सोचा भी है, यह एक साजिश है। कैसे, क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ है, इस आदमी से कहिए कि मुझे छोड़ दे। इसे छोड़ दो, मिसेस दीवान ने आदेशात्मक स्वर में कहा। आप समझती हैं यह चुपचाप बैठेगा, अजय ने पूछा। छोड़ दे मुझे, शरद ने जोरदार झटका दिया। जैकेट की आस्तीनों से उसकी बाहें बाहर आ गई। वह पलटा
और घूसा ताने अजय के सामने खड़ा हो गया। आओ लड़ो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। लड़ने के लिए ना तो मुनासिब वक्त यह है और ना ही जगह, अजय ने कहा और जैकेट उसकी ओर उछाल दी। शरद जैकेट पकड़कर बेवकूफों की भांति पलके झपकाने लगा। कोमिला उन दोनों के बीच में आ गई और जैकेट लेकर उसे पहना दी। शरद ने प्रतिरोध नहीं किया। तुम्हें ब्लैक कॉफी की जरूरत है, वह बोली। मैं लेकर आती हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मैं नशे में नहीं हूँ। लेकिन तुमने शराब पी है, मिसेस दीवान ने कहा। तुम्हारे डैडी ने भी कम उम्र में शराब पीनी शुरू कर दी थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वादा करो कि फिर कभी शराब नहीं पियोगे। और उठकर शरद की बांह पकड़कर बार बार यही दोहराने लगी। कोमिला उसे शांत कराने की कोशिश करने लगी। शरद ने अजय की ओर सिर हिलाया। इस आदमी को यहाँ से भगा दो दादी माँ, यह डॉक्टर मदान के लिए जासूसी कर रहा है। मिसेस दीवान ने अविश्वास पूर्वक अजय को घूरा। मेरी पोते को तुम्हारे बारे में गलतफहमी हुई है, मैं जानती हूँ डॉक्टर मदान मेरे साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। गलतफहमी आपको हुई है दादी माँ, शरद बोला। वह मुझे रोजी से नहीं मिलने देना चाहता और हमें मिलने से रोकने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। मैं तुमसे पूछती हूँ अजय, क्या तुम डॉक्टर मदान के लिए काम कर रहे हो? बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से ही यह सवाल करें। इसका मतलब यह सच है? इसका जवाब भी मैं नहीं दे सकता। तो फिर यहाँ से चले जाओ, अगर दोबारा मेरे घर में कदम रखा तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। जाओ वरना अभी पुलिस को बुला लूंगी। नहीं ऐसा मत करना दादी माँ, शरद ने फौरन कहा, हम खुद ही इससे निपट लेंगे। वह तेजी से सामान्य होता जा रहा था। आपको बेकार इतना एक्साइट नहीं होना चाहिए आंटी, कोमिला बोली। याद है डॉक्टर मदान ने क्या? उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। मैं उसे एक भरोसेमंद दोस्त समझती थी, मगर पैसे की वजह से उसने मेरे साथ दगाबाजी की है। अब मैं समझ गई कि उसकी नीयत पहले से ही खराब थी। उसकी निगाह शुरू से ही मेरी दौलत पर थी, इसीलिए अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी वह मेरी जिंदगी में ले आया। लेकिन मैंने इंतजाम कर दिया है, अब फूटी कौड़ी भी उसे नहीं मिल पाएगी। शांत हो जाइए आंटी, कोमिला ने उसे कुर्सी के पास ले जाने की कोशिश की तो मिसेस दीवान ने उसे झिड़क दिया और अजय की ओर पलट गई। तुम जाओ और डॉक्टर को बताओ कि वह अपनी औकात में ही रहे। वह हांफ रही थी। मेरी दौलत से कुछ नहीं मिलेगा, वो सब मेरे अपने वारिस को ही मिलेगा। उससे यह भी कह देना कि अपनी उस बेटी को मेरे पोते से दूर ही रखे। अचानक उसके गले से करहा निकली, आंखें बंद हो गई और चेहरा सफेद पड़ गया। वह लड़खड़ाई और अगर शरद थाम नहीं लेता तो नीचे गिर जाती। दफा हो जाओ अजय, वह बोला। देख नहीं रहे हो मेरी बीमार दादी माँ की तुमने क्या हालत कर दी है? इसके लिए कोई और ही जिम्मेदार है, अजय ने कहा। तुम जा रहे हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? आप जाइए, कोमिला बोली। आंटी हार्ट केस है और उनकी तबीयत खराब हो गई है। मिसेस दीवान का कांपता हाथ स्वयमेव अपने दिल की ओर चला गया। सिर शरद के कंधे पर चा टिका। वह बुढ़िया के सफेद बालों को सहलाने लगा। व्हाट अ टचिंग सीन, अजय ने कहा और बाहर निकल गया। आशा के विपरीत संयोगवश जल्दी ही उसे टैक्सी मिल गई। विशालगढ़ के लिए कनेक्टिंग प्लेन पकड़ने के लिए वह एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गया। नैनीताल में स्कूल और कॉलेज के बारे में शरद के बयान को बारीकी से चेक करने में अजय को करीब 2 दिन लग गए। वहाँ उसने स्वयं को विदेशों में कॉन्ट्रैक्ट वाली एक फर्म के पर्सनल इन्वेस्टिगेटर के रूप में प्रस्तुत किया था। उसे एक बड़ी ही दिलचस्प अतिरिक्त जानकारी वहाँ से प्राप्त हुई। शरद दत्त जोशी के नाम से करीब 6 साल पहले 14 मई को 10वीं कक्षा में दाखिला लिया था, जबकि पीटर बेंजामिन को उसी साल 7 मई को टनकपुर में गिरफ्तार किया गया था। जाहिर था कि केशव दत्त जोशी के रूप में उसे अपना नया सरपरस्त ढूंढने में सिर्फ कुछ ही रोज लगे थे। अजय ने केशव दत्त जोशी के दोस्तों से भी बातें की, उनमें अधिकांश कॉलेज लेक्चरर और स्कूल टीचर थे। उन्हें शरद एक अच्छे और होनहार लड़के के रूप में याद था। हालांकि उनमें से एक का कहना था कि शुरुआत में शरद तेज स्वामित्व का मुश्किल किस्म का लड़का था, लेकिन इस पर वे सभी एकमत थे कि केशव दत्त ने उसे सड़कों से उठाकर अपने रसूखों, पहुंच और भाग दौड़ के जरिए स्कूल में एडमिशन दिलाया था। केशव दत्त जोशी अक्सर विद्यार्थियों की यथासंभव सहायता किया करता था।
उसकी इमेज एक ईमानदार, मेहनती, परोपकारी और शिक्षा के लिए समर्पित शिक्षक की थी। 71 की लड़ाई में उसका जवान बेटा कश्मीर में एक मोर्चे पर लड़ता हुआ मारा गया था। वह आर्मी में लेफ्टिनेंट था। बेटे की मौत के इस सदमे को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से जल्दी ही उसकी पत्नी भी चल बसी। खुद केशव दत्त को करीब 1.25 साल पहले दिल का दौरा पड़ने की वजह से स्थानीय हॉस्पिटल में देहांत हो गया था। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर को भी याद था कि शरद हर पल उसके बिस्तर के पास मौजूद रहा था। इस बात की भी तस्दीक हो गई कि केशव दत्त अपनी कुल जमा पूंजी, जो करीब 25,000 रुपये थी, शरद की पढ़ाई पूरी करने के लिए छोड़ गया था। शरद ने इसी साल BSc ऑनर्स फर्स्ट डिवीजन से पास किया था। कॉलेज में उसके प्रोफेसर उसे एक होशियार और मेहनती स्टूडेंट के रूप में पसंद करते थे। स्टूडेंट्स में कोई भी उसका गहरा दोस्त नहीं था, लेकिन स्टेज में उसकी विशेष रुचि थी और एक बेहतरीन एक्टर था। कॉलेज में फाइनल ईयर के दौरान उसका पता कॉलेज के पास ही एक बोर्डिंग हाउस का था। बोर्डिंग हाउस की मालकिन शकुंतला डोमाल नाम की एक शिक्षित अधेड़ महिला थी। शरद की जाति जिंदगी के बारे में जानकारी हासिल करने के विचार से अजय उसके पास पहुंचा। वह एक पुराने बड़े से 3 मंजिला मकान में पहले खंड पर रहती थी। शेष सभी कमरे उसने किराए पर दिए हुए थे। अजय ने अपने आने की वजह बताई तो वह उसे बैठक में ले गई। बैठिए, बताइए शरद कैसा है और आपके फर्म में कैसा काम कर रहा है? उसने अभी हमें ज्वाइन नहीं किया है, अजय बोला। मेरी इस पूछताछ का मकसद उसे एक कॉन्फिडेंशियल अपॉइंटमेंट के लिए क्लियर करना है। हमारी फर्म पहले अपने सभी एम्प्लॉयज़ की बैकग्राउंड बारीकी से चेक कराती है। इसका मतलब है दूसरी बात चेक की जा चुकी है। कौन सी दूसरी बात? एक्टिंग वाली। आप शायद नहीं जानते कि शरद दत्त बहुत ही बढ़िया एक्टर है। मेरे घर में अब तक जितने भी लड़के रहे हैं वह सबसे ज़्यादा टैलेंटेड था। उसकी कई स्टेज परफॉर्मेंस मैंने देखी थी। जवाब नहीं था उसका। उसे एक्टिंग की कोई ऑफर भी मिली थी? मुझे सिर्फ एक का पता है, कोई बड़ा प्रोड्यूसर था। कॉलेज के स्टेज शो में परफॉर्मेंस देखकर वह शरद के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था। मैंने सुना था कि शरद ने वो ऑफर कबूल कर ली थी, लेकिन अब लगता है उसने अपना इरादा बदल दिया, इसलिए आपकी फर्म को ज्वाइन कर रहा है। शायद फिल्मों में अनिश्चित भविष्य की वजह से। जानकर खुशी हुई कि वह बढ़िया एक्टर भी है। आपको उस प्रोड्यूसर का नाम याद है? सॉरी, नाम मैं नहीं जानती। वह आया कहाँ से था? पता नहीं, शरद अपने जाति मामलात अपने तक ही रखता था। यहाँ से जाते वक्त उसने यह तक नहीं बताया कि कहाँ जा रहा था। इस बारे में मैं सिर्फ उतना ही जानती हूँ जितना कि कविता ने उसके चले जाने के बाद मुझे बताया था। कविता ने? कविता पंत उसकी फ्रेंड थी। मेरा यह मतलब नहीं है कि वह शरद की गर्लफ्रेंड थी, हालांकि कविता तो यही सोचती लगती थी, मगर शरद ऐसा नहीं समझता था। मैंने उसे सावधान कर दिया था कि कारों कोठियों वाली धनी माँ बाप की उस जैसी लड़कियों से दूर ही रहे। मेरे यहाँ स्टूडेंट्स ही रहने आते हैं, वे पढ़ाई छोड़कर ऐसे चक्करों में ना पड़े, इसलिए उन्हें समझाना मैं अपना फर्ज समझती हूँ। और वह कविता पंत तो उम्र में भी शरद से कई साल बड़ी है। लगता है वह हमारी फर्म के लिए सही चॉइस है। सोशल है और लड़कियों के प्रति उसमें आकर्षण है। यह बिल्कुल सही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह लड़कियों के पीछे पागल था। वह लड़कियों की ओर कोई ध्यान नहीं देता था जब तक कि वे खुद ही उसके गले नहीं पड़ने लगती थी। इस कविता पंत ने तो हद ही कर दी थी। हर दूसरे तीसरे रोज वह अपनी कार में यहाँ आ पहुँचती थी। उसके बाप के यहाँ और टनकपुर में कई बिजनेस हैं। वह मशहूर आदमी है। गुड, शरद के बिजनेस सर्कल में भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मेरे विचार से इसे कॉन्ट्रैक्ट्स कहना गलत होगा। क्यों? इसलिए कि जब शरद कविता से मिले बगैर यहाँ से चला गया तो कविता को बेहद गुस्सा आया था। शरद ने वाकई उसे नीचा दिखा दिया था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो वह मुझ पर ही बरस पड़ी, फिर अपनी कार लेकर चली गई। उन दोनों की दोस्ती कितना अरसा रही थी? जब तक शरद मेरे पास रहा, साल भर। वह लड़की पतली दुबली सी है, लेकिन है सुंदर। उसमें जरूर अपनी कुछ खूबियां होंगी, वरना शरद ने इतने अरसे तक उसे अपने साथ नहीं रहने देना था। उसका एड्रेस है आपके पास? उससे मिलोगे? हाँ, वह चोट खाई लड़की है, झूठ भी बोल सकती है। झूठ और सच में फर्क करना मुझे आता है। शंकुतला डोभाल ने कविता का पता बता दिया।
अजय ने धन्यवाद देकर उससे विदा ली। उसकी समझ में आना शुरू हो गया था कि चंदनगढ़ में मामूली बोर्डिंग हाउस से शरद ने दीवान पैलेस में कैसे छलांग लगाई हो सकती थी। उसे बकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। शकुंतला डोभाल द्वारा बताए गए पते पर पहुंचकर उसे पता चला कि कविता पंत अपनी माँ के साथ टनकपुर गई हुई है। अजय ने टनकपुर का पता ले लिया। टनकपुर में कविता पंत का जो पता बताया गया था वो काफ़ी बड़े एक बंगले का था। नौकरानी ने बताया कि कविता की मम्मी आराम कर रही थी और कविता पास ही झरने पर घूमने गई थी। अजय ने झरने के बारे में पूछा और वहाँ रुककर इंतज़ार करने की बजाय उधर ही चला गया। मुश्किल से दो फलांग दूर जाने के बाद जीन्स जैकेट पहने औसत कद की एक पतली दुबली सी लड़की आती दिखाई दी। उसका रंग गोरा था और नैन नक्श सुंदर। उसकी उम्र कोई 26-1 साल थी। लड़की भी उसे ही देख रही थी। माफ़ कीजिए, नज़दीक आने पर अजय ने टोका, आप कविता पंत हैं? लड़की ने रुककर गौर से उसे देखा। जी हाँ, आप? अजय पहले ही तय कर चुका था कि पुनः प्राइवेट डिटेक्टिव बनना ही ठीक रहेगा। वही परिचय देकर लड़की की तसल्ली के लिए अपना डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड भी निकाल कर उसे दे दिया। लड़की ने कार्ड गौर से देखकर वापस लौटा दिया। आप इतनी दूर से यहाँ मुझसे ही मिलने आए हैं? उसने असमंजसतापूर्वक पूछा। हाँ, क्यों? क्योंकि आप कविता पंत हैं और शरद दत्त को जानती हैं। उसके चेहरे पर प्रसन्नता मिश्रित अविश्वासपूर्ण भाव उत्पन्न हो गए। आपको शरद ने भेजा है? नहीं, वह किसी मुसीबत में है? अजय ने जवाब नहीं दिया। कविता ने उसका हाथ यूं पकड़कर खींचा मानो कोई बच्चा अपनी ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता था। बताइए ना, क्या शरद मुसीबत में है? डरिए मत, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। आपने यह नतीजा कैसे निकाल लिया कि वह मुसीबत में है? एक प्राइवेट डिटेक्टिव का 1000 मील से भी ज़्यादा लंबा सफ़र तय करके आना किसी मुसीबत की ओर नहीं तो और किस ओर संकेत करेगा? मान लो वह मुसीबत में है, तब मैं उसकी मदद करना चाहूँगी, वह बोली। बेहतर होगा कि पहेलियाँ बुझाने की बजाय आप सीधी बातें करें, और पास ही एक चट्टान पर बैठ गई। बैठिए। कविता की साफ और बेलाग बातें अजय को पसंद आई। उनसे उसकी ईमानदारी जाहिर हो रही थी। अजय उससे तनिक हटकर बैठ गया। पहेलियाँ बुझाना मुझे भी पसंद नहीं है, वह बोला। मैं आपसे एक सौदा करना चाहता हूँ। कैसा? अगर आप शरद के बारे में अपनी कहानी सुना देती हैं तो मैं भी उसके बारे में अपनी कहानी आपको सुना दूंगा। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं, कविता उपहासपूर्वक बोली, जैसे हम कन्फेशन के लिए आए हैं। देखिए, मैं सीरियस हूँ और अपनी कहानी पहले सुनाने के लिए भी तैयार हूँ, अगर आप वाकई शरद की सिचुएशन के बारे में जानना चाहती हैं। सिचुएशन एक ऐसा शब्द है जिससे अच्छे या बुरे का कोई सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए मैंने इसे इस्तेमाल किया है। आपको सौदा मंजूर है? हाँ, वह संक्षिप्त मौन के पश्चात बोली, लेकिन एक बात मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ, उसके खिलाफ कुछ भी मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि उसके खिलाफ मैं कुछ नहीं जानती, सिवाय इसके कि उसने मेरे साथ, लेकिन उसमें मेरी ही गलती थी। खैर, आप अपनी कहानी सुनाइए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।